दोस्तों, अगर आपके फेसबुक पेज पर पॉलिसी इशू आ गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू आ गया है, या फिर आपके पेज पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट यानी LOC या फिर अनओरिजिनल कंटेंट की इशू आ गई है और आपका पेज नॉट रिकमेंडेबल हो गया है, तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे? अगर आपका पेज बिल्कुल नया है फिर भी उस पर पॉलिसी इशू आ गया है, आप अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट, अपने खुद के वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, फिर भी फेसबुक ने आपके पेज को नॉट रिकमेंडेबल कर दिया है, या फिर आपके पेज पर पॉलिसी इशू आ गया है, या आपका पेज मोनेटाइज था, आप पैसे तो कमा रहे थे लेकिन प्रॉब्लम इशू आने के बाद आपके पेज को फेसबुक ने डीमोनेटाइज कर दिया है, तो कैसे आप उसे फिर से मोनेटाइज करेंगे, कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनका फेसबुक पर पेज है, चाहे आपका कॉपी पेस्ट का कंटेंट हो या फिर आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे हम इन्हें ठीक करेंगे ये समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फेसबुक का जो पॉलिसी है ना वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से सारी बातें बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखेगा और स्किप मत करेगा, वरना अगर आप स्किप करोगे तो फिर बाद में मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे कि हमारे पेज पर ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करोगे कि हमारे पेज पर ये इशू आ गया है, हम इसे कैसे ठीक करें, तो ऐसे में मुझे जब ढेर सारे मैसेज मिलते हैं इंस्टाग्राम पर तो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फेसबुक पेज दिखाना चाहूँगा। ये पेज आप देख सकते हैं, इस पे 66,066 के फॉलोअर्स हैं। इसके बाद मैं आपको एक और पेज दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल नया पेज है और उस पर भी इश्यूज हैं। तो पहले मैं इस पेज को आपको दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है और कैसे ठीक किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये पेज आप देख सकते हैं 66 के फॉलोअर हैं और यहाँ अगर हम सी डैशबोर्ड पर चलते हैं तो आप देखेंगे इस पेज का जो इंटरफेस है, कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है, वो आप देखेंगे रीच कितना है, 5,59,000, लगभग 5,60,000 इस पेज की रीच है, बहुत बढ़िया है। कंटेंट पब्लिश कितने कंटेंट डाले गए हैं, 96, पिछले 28 दिनों में 96 वीडियो डाले गए हैं, 96 वीडियो डाले गए हैं और इंटरेक्शन क्या है, 30,000, 29.7 आप देख सकते हैं, 29.7, 30,000 लोगों तक ये इंटरेक्ट हो रहा है, ये जो वीडियो है पेज है। बाकी नेट फॉलोअर जो मिले हैं वो 811 मिले हैं पिछले 28 दिनों में। अब अगर हम पेज रिकमेंडेशन को देखें तो आप देखेंगे पेज रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई भी इशू नहीं है। और अगर आप इस पेज के मोनेटाइजेशन को देखेंगे, अगर हम मोनेटाइजेशन ओपन करें तो आप यहाँ पर देखेंगे योर टूल्स स्टार मोनेटाइज है, बोनस इंस्ट्रीमेंट सब्सक्रिप्शन मोनेटाइज है और एड्स ऑन रील्स तो इनवाइट ओनली होता है, तो फेसबुक इनवाइट करता है तभी मिलता है। और लाइव एड्स का अगर आप क्राइटेरिया देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये लाइव एड्स का जो क्राइटेरिया है ये भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आप देखेंगे क्राइटेरिया मिनट जो होता है 6 लाख मिनट चाहिए, तो यहाँ पर 5,76,726 मिनट पूरे हो गए हैं, शायद एक दो दिन में ये पेज पूरे क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन आप यहां पर देखेंगे ये पेज मोनेटाइज नहीं होगा, वैसे तो इन स्ट्रीमेड मोनेटाइज हो गया है लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग मोनेटाइज नहीं होगा। क्यों? आप यहां पर देखेंगे एक चीज यहां पर लिखा हुआ है, यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, उसके बाद लिखा यू फॉलो फेसबुक, और ये जो क्रॉस दिख रहा है ना, एक इशू है इसमें, पॉलिसी इशू है। पॉलिसी इशू कहां पर दिखेगा, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। अब हम पेज रिकमेंडेशन में चलते हैं, पेज रिकमेंडेबल है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेज स्टेटस, अगर हम इस पर टच करें तो पेज का स्टेटस आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पेज हैज सम इशू, सारे प्रॉब्लम से मतलब कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, पेज रिकमेंडेबल है, रीच भी अच्छी खासी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी इशू लगा हुआ है। क्या पॉलिसी इशू लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ कॉन्टेंट ऐसे थे जिस पर पॉलिसी इशू आ गया है। अब ये पॉलिसी इशू के बाद यहाँ पर अगर हम एलिजिबल टू मोनेटाइज पर टच करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है स्टार्स और लाइव एड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम प्रॉब्लम वही आ गया है, यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर जो प्रॉब्लम आया है ना वो देखिए यहाँ से दिखेगा, अगर हम मोनेटाइजेशन पर टच करें तो यहाँ पर हमें दिख जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नो मोनेटाइजेशन वायलेशन ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आप देखेंगे रिसेंट वायलेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पॉलिसी इशू को भी हम दिखाएंगे, इसके बाद हम पॉलिसी इशू पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर हाउ दिस अफेक्ट्स योर पेज अदर मोनेटाइजेशन टूल, तो जो लाइव एड्स वाला है जो क्राइटेरिया भी इस पेज का पूरा होने वाला है ना वो मोनेटाइज नहीं हो सकता है, सारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा आप लोगों के केस में भी हो सकता है, तो अभी से ये जानकारी ले लीजिए। तो अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आया है इसे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए अगर आपके पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है तो क्यों आता है, क्योंकि आपने अपने पेज पर कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड किया है, कोई ऐसा वीडियो हो सकता है, कोई ऐसा फोटो हो सकता है जो कि आपका नहीं है,
सिर्फ वीडियो नहीं फोटो भी अगर आप किसी और का अपलोड करेंगे और उस पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत इस प्रकार से वायलेशन शो करना शुरू कर देता है आपके पेज पर। आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ये चीज़ आ जाता है चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो। तो पहली गलती आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगा। और दूसरे केस में अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, सब कुछ आपका है, वॉयस आपकी है, म्यूजिक आपने खुद से कंपोज किया है, कहीं से आपने कोई चीज़ कॉपी नहीं किया है, सब कुछ आपका टोटल 100% चीज़ आपका है, तो आपके पेज पर अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है तो वो क्यों आता है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, दूसरे का कंटेंट हमने लिया नहीं है। तो कॉपी पेस्ट का तो समझ में आता है कि कॉपी पेस्ट वाले तो बिल्कुल समझ जाते हैं कि भाई हमने वहाँ से उठाया है, यूट्यूब से उठाया है, कहीं और से उठाया है वीडियो को, तो आ गया है। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट पर क्यों आता है, इसका जो मेन रीज़न होता है दोस्तों वो ये होता है कि अगर आपने अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद फेसबुक पर अपलोड किया है, या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के बाद फेसबुक पर अपलोड किया है, या फिर कहीं भी किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी वीडियो को पहले अपलोड किया है, अपने फोटो को अपलोड किया है, उसके बाद आप अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे, तो हो सकता है कि आपके ही वीडियो पर फेसबुक आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो वायलेशन है वो दे दे। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया है, जैसे ही आपने यूट्यूब पर अपलोड किया, किसी दूसरे बंदे ने या किसी ने भी आपके वीडियो को तुरंत से डाउनलोड किया, या एक दिन दो दिन बाद अगर आप अपने फेसबुक पेज पर अपने वीडियो को अपलोड करते हैं, उस दौरान आपसे पहले अगर आपके वीडियो को किसी ने उठाया, डाउनलोड किया और अपने फेसबुक अकाउंट पर, पेज पर, कहीं पर भी फेसबुक पर अपलोड कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में जब आप उसी वीडियो को अपने पेज पर अपलोड करेंगे तो अगला बंदा आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रिपोर्ट कर सकता है, या फेसबुक का जो मैकेनिज्म सिस्टम है, जो रोबोटिक सिस्टम या एल्गोरिदम है, वो अगर पकड़ लेता है तो भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आ जाता है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा मैंने आपको क्या बताया है। पहला कंडीशन तो कॉपी पेस्ट का आपको पता ही है, कॉपी पेस्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आता ही है, कन्फर्म है आता है। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट के केस में यही रीज़न होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आने का। अब इसे ठीक कैसे करेंगे, तो देखिए इसे ठीक करने के लिए आपको कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं फेसबुक के पास। आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये हमारा ही कंटेंट है और किसी और ने चुरा करके हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म से फेसबुक पर अपलोड कर दिया है हमसे पहले, तो फेसबुक को वेरीफाई करना पड़ता है। तो फेसबुक चेक करता है, रिव्यू करता है कि हाँ ओरिजिनली आपका ही कंटेंट है, तो आपके पेज से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू हट जाता है। लेकिन इससे जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने उस वीडियो को भूल जाइए, अपने पेज से आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, और आगे से अपने वीडियो को, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो अपने वीडियो को आप यूट्यूब पर पहले अपलोड ना करें, सबसे पहले आप फेसबुक पर अपलोड करें, या फिर अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पर आप दोनों एक साथ अपलोड कर सकते हैं तो साथ में दोनों एक ही टाइम पर पब्लिक करिए दोनों प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा आप अगर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो फेसबुक पर अपलोड करने से पहले अपने वीडियो में कुछ चेंजेस कर दें, कुछ बदलाव कर दें, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दें, तो फेसबुक आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं देगा। लेकिन बेस्ट सजेशन यही है कि आप लोग अपने वीडियो को एक साथ दोनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें, या फिर और अगर हाँ अगर आपके पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गया है, ये जो इशू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये आ गया है, तो फिर आप अपने उस वीडियो को अपने प्रोफाइल से, अपने पेज से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप अपने खुद के ओरिजिनल कंटेंट, जैसा मैंने बताया है कि फेसबुक पर पहले अपलोड करिए, यूट्यूब पर बाद में, या फिर दोनों पर एक साथ करिए, तो अगले 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या मैक्सिमम 15 दिन के भीतर आपके पेज से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इशू है वो हट जाएगा। और आपके पेज को अगर फेसबुक ने डीमोनेटाइज किया है तो आप फिर से उसे मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में भेज सकते हैं। अब दूसरे कंडीशन में चलते हैं, पॉलिसी इशू पर। इसके लिए हम एक दूसरा पेज स्विच करेंगे यहाँ पर। चलिए हम पेज को स्विच कर लेते हैं, यहाँ से इसे चेंज करते हैं और एक दूसरे पेज पर हम चलते हैं। मैं यहाँ पर आईडी ही दूसरी कर लेता हूँ, अपनी आईडी, ये दूसरे की आईडी है, तो मैं यहाँ पर दूसरी आईडी, अपनी वाली आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉलिसी इशू क्यों आता है और उसे हम कैसे ठीक करेंगे, या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया हुआ है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे, या फिर हमारे पेज पर अगर नॉट रिकमेंडेबल का प्रॉब्लम आया तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, मैं वो भी आपको चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ जो कि मेरा अकाउंट है। अभी जो आपने देखा है वो दूसरे का अकाउंट था, मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पेज पर स्विच कर लेता हूँ। चलिए मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ, मेरा एक दूसरा पेज है, ये मैंने अपने पेज पर स्विच कर लिया है। अब स्क्रीन पर आप देखेंगे ये जो पेज है ना, जो भाई अभी मैं स्विच कर रहा हूँ, ये मेरा ही एक दूसरा पेज है, ये मेरा एक डेमो पेज है। इस पेज पर मैं कुछ भी अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक डेमो पेज है। अब अगर हम इस पेज के रिकमेंडेशन में चलेंगे तो यहाँ पर हम मैनेज पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। इस पेज का आप नीचे देखेंगे 4 है, परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पेज रिकमेंडेशन में चलेंगे तो आप देखेंगे पेज रिकमेंड हो रहा है, और यहाँ पर पेज स्टेटस में जाके मोनेटाइजेशन अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पर टच करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है
मोनेटाइजेशन इशू, और यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज। तो ये जो प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज लिखा हुआ है ना, यही है पॉलिसी इशू। अब इसका मतलब क्या होता है, यहीं पर लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप टच करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लियरली लिखा हुआ है प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज। ये मैं नए कंडीशन बताऊँ, जिनके पेज बिल्कुल नए हैं ना उनके लिए है ये, जिनका पेज पुराना है उनके पेज पर पॉलिसी इशू आया तो वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जिनका पेज बिल्कुल नया है तो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज। तो क्लियरली यहाँ पर लिखा है आनंद के आर वी हैज़ बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज आर डज नॉट हैव इनफ फॉलोअर्स आर एंगेजमेंट टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर क्लियरली फेसबुक ने इसके बारे में बता रखा है कि अगर आपके पास प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज के तहत पॉलिसी इशू आया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेज है, जो आपने पेज बनाया है, वो अभी फेसबुक पर 30 दिन पुराना नहीं है। अगर आप बिल्कुल नया पेज बनाएंगे ना, तो अगर आपका पेज 30 दिन पुराना नहीं होगा तो उस पर ऑटोमेटिक पॉलिसी इशू शो करेगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेज जैसे ही 30 दिन पुराना होगा पॉलिसी इशू हट जाएगा। दूसरे कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि आपका जो मेन अकाउंट है, जैसे मेरा ये मेन अकाउंट है, मैं बैक करता हूँ और मैं अपने मेन अकाउंट यानी प्रोफाइल पर, पेज नहीं प्रोफाइल पर मैं स्विच करता हूँ, तो प्रोफाइल पर आप एक बार जरूर चेक करें। जो नॉट रिकमेंडेबल का प्रॉब्लम आता है उसके लिए, पॉलिसी इशू के लिए, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपके पेज पर लगते हैं ना, उन सब के लिए मैं ये बता रहा हूँ। आप सबसे पहले अपने प्रोफाइल को चेक करें, फेसबुक का जो मेन प्रोफाइल होता है ना उसको आप चेक करें, यहाँ पर टच करें। उसके बाद ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएं और यहाँ पर आने के बाद प्रोफाइल रिकमेंडेशन को आप चेक करें। ये पेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपने मेन अकाउंट को, प्रोफाइल को चेक करना है, प्रोफाइल पर कोई वायलेशन तो नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। अब ये चीज़ यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग बहुत लोगों को दिख रहा होगा। अब यही चीज़ चेक करने का जो तरीका है, यहीं से आप चेक करेंगे प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे, तो आपको दिख जाएगा। और मैं आपको अभी कंप्यूटर के स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे ठीक करना है। तो अभी मोबाइल के स्क्रीन पर ये जो इशू आ रहा है ना, बहुत लोगों को दिखता है। मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके प्रोफाइल में कोई इशू है या नहीं है, जिसकी वजह से आपके पेज पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, ना कि कोई पेज है, और इस प्रोफाइल से मैंने अपने पेज बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को चेक करना है कि क्या आपके प्रोफाइल पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद, जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर व्यू टूल्स का ऑप्शन दिखता है, या फिर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो दिखता है ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको फेसबुक एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। या अगर आप सेम प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन में आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगा, उसे डेस्कटॉप साइट पे करेगा और अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करके ये पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आने के बाद, यहाँ हमें बाईं तरफ एक ऑप्शन दिखता है प्रोफाइल रिकमेंडेशन का, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें मिल जाता है प्रोफाइल रिकमेंडेशन का ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर नॉट रिकमेंडेबल है, मेरा प्रोफाइल जो है वो नॉट रिकमेंडेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल हैज़ टू मैनी वायलेशंस, मेरे इस प्रोफाइल से बहुत सारे वायलेशंस किए गए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कंटेंट अपलोड किए गए हैं जो कि फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अब बात करते हैं कि पॉलिसी इशू क्यों आता है और नॉट रिकमेंडेबल और पेज क्यों आता है। तो पेज हमारा इसीलिए आता है, अगर हमारे अकाउंट पर इस प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो हमारे पेज पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट स्टेटस का। अब यहाँ हम अकाउंट स्टेटस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट वार्निंग लिखा हुआ दिख रहा है। ये मेरे फेसबुक अकाउंट पर अकाउंट वार्निंग है और यहाँ पर योर रिस्ट्रिक्शंस हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगा, योर अकाउंट और रिस्ट्रिक्शन हिस्ट्री, मैंने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस, मतलब क्या मैंने वायलेशन किया है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिस्ट, ये चीज़ें हैं ना, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, मेरे अकाउंट पर इतनी बार रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, जून में, अब में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और क्यों लगाए गए हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करना है। हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सपोर्ट इनबॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको योर अलर्ट्स का दिखेगा। अब योर अलर्ट्स का मतलब है कि आपको फेसबुक ने अलर्ट किया है। यहाँ आप योर अलर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये सारे वायलेशंस यहाँ पर मेरे अकाउंट पर लगे हुए हैं जो कि 2019 के हैं। 18 जनवरी 2019 को ये वायलेशन आया हुआ है, जब फेसबुक का मोनेटाइजेशन शुरू नया दौर था, जब मोनेटाइज होना शुरू हुआ था फेसबुक, तब से मेरे इस अकाउंट पर वायलेशंस लगे हुए हैं। और दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि इस अकाउंट से मैं जो भी नया पेज बनाता हूँ, उस पेज पर कुछ ना कुछ पॉलिसी इशू या फिर नॉट रिकमेंडेबल इस प्रकार के प्रॉब्लम अपने आप ही आ जाते हैं। अगर मैं बिल्कुल नया पेज बनाता हूँ और 30 दिन 40 दिन पुराना होने के बाद भी मेरा पेज पर जो नॉट रिकमेंडेबल है या पॉलिसी उसे वो ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे जो फेसबुक का मेन अकाउंट है, प्रोफाइल है ना, इस पर वायलेशंस लगे हुए हैं। इसलिए मैंने अपने पेज को, जो मेरा आनंद के आर वी पेज है, उसको मैंने अपने
दूसरे मेरे वाइफ के अकाउंट पर मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया है, जिससे कि मेरा पेज कम से कम नॉट रिकमेंडेबल ना हो। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्यों ये प्रॉब्लम आती है। अब अगर आपको इसे ठीक करना है तो आपको अपने मेन अकाउंट को, अपने प्रोफाइल को चेक करना है। आपके प्रोफाइल पर भी अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप उसे ठीक करिए। अगर ये ठीक करने के लिए लायक है तो ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे करेंगे, चलिए वो भी आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपको यहाँ पर जब आप आएंगे हेल्प एंड सपोर्ट पे और सपोर्ट इनबॉक्स पे आके योर अलर्ट्स में आएंगे ना, तो योर अलर्ट्स में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका कौन सा कंटेंट ऐसा है, कौन सा ऐसा वीडियो या फोटो है जो कि फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, वायलेशन क्यों आया है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वो फोटो दिख जाएगा। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पर एक फोटो है जिसको कि फेसबुक ने हाइड कर रखा है। यहाँ पर मैं लर मोर पर क्लिक करूंगा ना, सी फोटो का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये फोटो है, मैंने इसे ब्लर किया हुआ है ताकि मेरे इस वीडियो पर कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो ये जो फोटो है ना, ये फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। एक्चुअली इसमें कुछ मैंने ऐसा चीज दिखाया है, कुछ ऐसा मतलब चोट वोट का है ये, इसमें चोट लगी है एक व्यक्ति को, तो ये फोटो है जिसकी वजह से मेरा जो प्रोफाइल है ना उस पर नॉट रिकमेंडेबल या जो वार्निंग आ रहा है ना आ गया है। तो अब इसे हमें ठीक करने के लिए सिंपली इस फोटो को डिलीट करना है। यहाँ पर हमें डेट मिल जाता है, जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पर फोटो का जो डेट है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फोटो का डेट दीजिए, ये मैंने 12 फरवरी 2021 को ये फोटो मैंने अपलोड किया है फेसबुक पर अपने प्रोफाइल से, पेज से नहीं प्रोफाइल से। तो इस डेट पर हमें जाना है और इस फोटो को डिलीट कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें जो भी वायलेशन दिखेगा, जो भी फोटो वीडियो कुछ भी दिखेगा ना, यहाँ पर जो दिखेगा उसे हमें डिलीट करना है। जब हम सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे, यहाँ पर जो दिखेगा सबको डिलीट कर देंगे, उसके 3 से 4 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद हमारा जो मेन प्रोफाइल है ना उस पर कोई वायलेशन नहीं रहेगा। और जब हमारे प्रोफाइल पर से सारे वायलेशन हट जाएंगे तो जिस प्रोफाइल से हमने अपना पेज बनाया है जब उस पर वायलेशन नहीं रहेंगे तो हमारे पेज से भी वो जो वायलेशन है वो हट जाएंगे। आप देखेंगे कि जब आपके पेज पर वायलेशन आता है तो वहाँ पर फेसबुक क्लियरली लिखता है कि एन एडमिन शेयर्ड ए कॉन्टेंट या ए वीडियो या फोटो दैट गोज अगेंस्ट फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन या फेसबुक पॉलिसीज, ऐसा हमें एक मैसेज मिलता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने मेन प्रोफाइल पर कुछ गलती की हुई है और उसका खामियाजा हमारा पेज भुगतता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको चेक करना है अपने फेसबुक की मेन प्रोफाइल को, अपने प्रोफाइल को चेक करना है, अपने आईडी को, अकाउंट को चेक करना है, उसके बाद अपने पेज पर, दोनों जगह पर आप सारी चीज़ों को चेक करें। जहां पर भी आपको गलती मिले, कोई ऐसा कंटेंट मिले, कोई ऐसा वीडियो फोटो मिले जो लगे कि फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो आप उसे डिलीट कर दें। बाकी दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपका पेज बिल्कुल नया है तो आपके पेज पर पॉलिसी इशू ऑटोमेटिक आ जाता है जो कि 30 दिन बाद ऑटोमेटिक हट जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है। अगर आप ये चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपके फेसबुक पेज पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट कंटेंट भी डालेंगे ना तो भी, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इनको आप समझ के अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप फेसबुक पर काम कर सकते हैं। वैसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कॉपी पेस्ट कंटेंट पर काम करें, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालें, अपना ओरिजिनल वीडियो बनाएं, तो आप लंबे समय तक फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी बातें बताई हैं वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो नीचे आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूं और आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।